अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक कंप्लीट एलुमिनियम का फैब्रिकेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो। इसमें आपके पास सबसे पहले आता है मास्टर। मास्टर के अंदर आता है चार्ट ऑफ काउंट लेवल 1, चार्ट ऑफ काउंट लेवल 2 और चार्ट ऑफ काउंट लेवल 3। उसके बाद हमारे पास आता है मास्टर के अंदर सेक्शन नेम, टाइप, मास्टर कंपनी और देन आती है आइटम प्रोफाइल। तो सबसे पहले हम चार्ट ऑफ काउंट 1 को ओपन करते हैं। यहाँ पर हमने इसको व्यू किया तो हमारे पास यहाँ पर ग्रुपिंग्स बनी हुई हैं कि हमारा फिक्स एसेट बनेगा 15 में, यहाँ पर परचेज बनेगा जो फिनिश गुड है वो 30 के अंदर, पेबल हमारे बनेंगे 31 के अंदर और रिसीवेबल्स हमारे बनेंगे 35 के अंदर और कैश और बैंक हमारा बनेगा 45 के अंदर और उसके अलावा हमारे जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो हमारे यहाँ पर बनेंगे 55 के अंदर। तो ये ग्रुपिंग देखने के बाद हम आते हैं मास्टर के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 2 के ऊपर। यहाँ पर क्या होता है कि व्यू करने पे हमें नज़र आता है कि हमारे जो मेन ग्रुप्स हमने पीछे देखे थे, फिक्स एसेट हो गया, परचेज हो गया, पेएबल हो गया, तो उन सब के आगे 01 ग्रुप ऐड होता जा रहा है क्योंकि ये हमारे थर्ड लेवल के लिए ज़रूरी होता है। पेएबल अकाउंट का ग्रुप अब बन गया है 3101, आगे इसका बनेगा पार्टी कोड। ऐसे तरीके से 3501 ये हमारा रिसीवेबल का एक एरिया है जिसका नाम हमने रख दिया इस्लामाबाद। ऐसे ही 3502 रावलपिंडी, 3503 टैक्सला, 3504 हजारा और ऐसे ही 3503-5 पे ये सिटी है, 3506 पे सिंध आ गया, 3507 पेशावर आ गया, सो ऑन 99 ग्रुप्स तक हम सिटीज़ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और हर सिटी के अंदर 9999 हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम बैंक हमने ग्रुपिंग देख ली, एक्सपेंसेस की देख ली, वही है 4501 आगे ऐड हुआ हुआ है। तो हम एक 35 के अंदर एक नया सिटी ऐड कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि न्यू अगर सिटी बनानी हो तो वो कैसे बनेगी। यहाँ पर हमारे पास बना हुआ था 3507, तो हमने यहाँ पर ऐड किया और हमने इसको यहाँ पर नेम दिया ऐड करके 35 यानी कि रिसीवेबल और 08 दिया और यहाँ पर मैंने इसको दे दिया हम यहाँ पर लाहौर, लाहौर नेम देके मैंने इसको सेव कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे ये देखिए सारी सिटीज के साथ साथ अब 3508 पे लाहौर की सिटी ऐड हो गई है। उसके बाद जब हम आते हैं मास्टर के चार्ट ऑफ अकाउंट में ई वाले में, तो यहाँ से हम अपने सारे सप्लाइज, पेबल, रिसीवेबल जितने भी हमारे अकाउंट बनेंगे सब यहीं से ही बनेंगे। हमने ऐड किया पेबल पार्टीज बनाने के लिए, हमें ग्रुपिंग पता है कि हमने अभी चार्ट ऑफ अकाउंट में देखी थी 31 और उसके सेकंड लेवल की ग्रुपिंग है 01 और आगे जो 0001 है ये है पार्टी कोड, यानी कि फर्स्ट पार्टी बनेगी 0001 के ऊपर, सेकंड पार्टी बनेगी 0002 के ऊपर, थर्ड पार्टी बनेगी 0003 के ऊपर। तो इस तरीके से सप्लायर्स भी हमारे पास 9999 सप्लायर्स बनेंगे। तो यहाँ पर जब हमने देखा कि हमारा ये ग्रुप है तो मैंने इसमें 001 लिख के जब इंटर किया तो इसने कहा कि आपके पास ऑलरेडी स्कॉर्पियो पार्टी बनी हुई है, ये इसमें ग्लोबल और ये मुगल ट्रेडर्स दो हमारी पार्टीज बनी हुई थी, दो बनी है तो इसका मतलब थर्ड कोड खाली है। हमने वापस से ऐड किया 3101003 ऐड करके इंटर कर दिया। यहाँ पर हमारा कोई भी सप्लायर हो सकता है, मैं यहाँ पर अहमद एलुमिनियम लिख लूँ या अहमद ट्रेडर्स, कोई भी हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं कि ये हमारी पार्टी है, उसका एड्रेस आ जाएगा कि वो कहाँ की पार्टी है और उसका एनटीएन नंबर, फ़ोन नंबर, जो भी हमने डिटेल्स देनी है वो यहाँ पर हम देख के इंटर इंटर करके कीज से नीचे आ रहे हैं। जब इंटर करके यहाँ पर आए तो यहाँ से हम बैलेंस शीट कोड बताते हैं कि ये पार्टी हमारी क्या है, पेएबल है या रिसीवेबल है, और ये ग्रुपिंग हमें पता चलती है हमारे फर्स्ट कोड के साथ, 31 है तो ये आ रहा है इस फर्स्ट कोड के अंदर। तो हमने यहाँ पर बताया ड्रॉप डाउन करके कि ये है हमारा पेएबल, हमने पेबल सेलेक्ट किया, इंटर 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 इंटर। उसके बाद जब हम इंटर इंटर करके नीचे आ गए तो हमने ओपनिंग बैलेंस बताना है कि पार्टी से पैसे लेने हैं या देने हैं, पैसे लेने हैं तो डेबिट, देने हैं तो क्रेडिट। हमने कहा जी ये पेबल है तो हमने इनको 1,00,000 देना है, क्रेडिट के अंदर बैलेंस रखा और इंटर करके सेव कर दिया। ये एक पार्टी बन गई है। इसका हमने अगर लेजर देखना हो यानी अकाउंट जो ओपन हो गया है विद बैलेंस, तो हम इसका लेजर देखेंगे रिटर्न बैक करके फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर लेजर से। लेजर खोला, इंटर 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 किया, यहाँ पर हमने उसका सीधा नेम दे दिया अहमद। जब मैंने अहमद लिखा तो हमारे पास एक अहमद एलुमिनियम हमारा कस्टमर आ गया क्योंकि 35 कोड में बनाए, नीचे अहमद ट्रेडर आ गया कराची वाला जो कि पेएबल कोड में बनाए 31 में, तो हमने इसको ओपन किया, इंटर किया,
तो ये हमारा पार्टी का लेजर ओपन हो गया 1 लाख क्रेडिट का। तो इस तरीके से हम मास्टर के अंदर वापस आए और अब हमने बनाने हैं कस्टमर। कस्टमर के लिए हमें पता है कि 35 ग्रुपिंग थी, अगर 01, 02, 03 वो सब सिटीज कोड थे हमारे। तो जहाँ पर हमने 08 बनाया था लाहौर के लिए और उसके अंदर 0001 यानी कि हम पहली पार्टी बना रहे हैं, हम उसको कोई भी नाम दे देते हैं। यहाँ पे हमने हमजा अली नाम दे दिया, उसका एड्रेस फ़ोन नंबर दे देंगे। यहाँ पर आके हम पेएबल को ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये 35 कोड भी इसी ग्रुपिंग में आ रहा है तो हम बताएंगे यहीं पे ही कि ये हमारा अकाउंट क्या है, रिसीवेबल है। तो हमने बताया ये है अकाउंट रिसीवेबल, इंटर 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 करके हम इसका ओपनिंग बैलेंस बताएंगे कि हमने इससे कितना बैलेंस लेना है, वो डेबिट में दे के हम इसको सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पेबल भी बन जाएंगे 31 के ग्रुप के अंदर और रिसीवेबल बन जाएंगे 35 के ग्रुप के अंदर। अगर 0102 जो भी हमारा वो एरिया होगा उस एरिया के मुताबिक हर एरिया में हमारे 10-10 हज़ार कस्टमर्स बनते जाएंगे और उनकी ग्रुपिंग हमने यहाँ पर रिसीवेबल देते जाना है। जब हमने ऐड किया, अब मैं यहाँ पर अगर बैंक बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए ग्रुपिंग थी 4501 और 3001 के ऊपर हमारी कैश बुक बनी होती है जिसको हम रोज नामचा कहते हैं। जब मैंने एंटर किया उसमें दिखाया जी आपके पास 1 के ऊपर कैश अकाउंट बना हुआ है, 2 के ऊपर एक ये SCB अकाउंट बनाया हुआ है बैंक का ही, और 3, 4 सारे कोड खाली हैं। तो हमने ऐड किया, हमने कहा जी 4501 0003 और इसको नेम दे दिया हमने यहाँ पे अलाइट बैंक कह दें या MCB बैंक कह दें, जो भी बैंक आपका हो उस बैंक का नेम दें। और यहाँ पर आके अब हम ना तो रिसीवेबल देंगे ना पेएबल देंगे, हम इसको बताएंगे ये है हमारा कैश एट बैंक। और उसके बाद इंटर इंटर करके थर्ड यहाँ पर हम ऑप्शन बताएंगे कैश फ्लो, क्योंकि बैंक का काम होता है कैश फ्लो का। तो यहाँ पर आके हम यहाँ पर ये नोट लिखा हुआ है कैश फ्लो सिलेक्टेड फॉर बैंक एंड कैश अकाउंट्स ओनली, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने इसलिए कैश फ्लो सिलेक्ट कर लिया। डेबिट के अंदर हमने वो बैलेंस बता देना है जो बैंक के अंदर हमारा पड़ा हुआ है और इंटर इंटर करके हमने इसको सेव कर दिया। तो इस तरीके से जो भी हमने पेबल रिसीवेबल या बैंक बनाए हैं उन सबका लेजर यहीं से फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर से ही हम ओपन कर सकते हैं। अहमद था जिसका हमने लेजर देख लिया, उसके बाद मैंने हमजा लिखा तो हमजा अली आ गया, इंटर इंटर किया ये उसका बैलेंस आ गया 2 लाख डेबिट का। ऐसे ही मैंने यहाँ पर लेजर खोला और मैंने MCB का लेजर खोला तो ये सॉरी MCB नहीं, हमने अलाइट बनाया था, मैंने AL लिखा तो यहाँ पर AL के नाम से जितने भी अकाउंट्स आ रहे थे सब आ गए। तो ये हमारा बीच में अलाइट बैंक भी आ गया, इसको मैंने इंटर इंटर किया तो यहाँ पर हमारा इसका ओपनिंग बैलेंस भी आ गया। यही तीनों चीज़ें अगर मैं एक जगह पर देखना चाहता हूँ इकट्ठी तो हम उसके लिए ट्रायल बैलेंस ओपन कर लेंगे। इंटर 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 करके जब ओके करेंगे तो यहाँ पर ये कंप्लीट आ जाएगा कि हमने ओपनिंग अभी तक 6 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें ऐड की है सॉफ्टवेयर में, जिसमें से 1 लाख हमने इस पार्टी का देना है जो कि हमारा पेएबल है, क्रेडिट आ रहा है। 2 लाख इस पार्टी से लेना है और 5 लाख हमने बैंक के अंदर यहाँ पर रखवाया है। तो टोटल हमारा जो ओवरऑल बन रहा है वो बन रहा है 7 लाख। तो ये हमारा टोटल बिजनेस इस तरीके से हमें मिल जाती है रिपोर्ट। तो इसी तरीके से हम बैलेंस शीट देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास बैलेंस शीट भी आ जाएगी। अगर आप ओपन करेंगे तो आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपका बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, कितने पैसे लेने वाले हैं, कितने देने वाले हैं, सो ऑन। तो यहाँ पर हम चार्ट ऑफ अकाउंट के बाद एड रिकॉर्ड में आए, यहाँ पर हमारे पास वाउचर्स आते हैं। सबसे पहले कैश रिसिप्ट वाउचर, कैश पेमेंट वाउचर, बैंक वाउचर। हमने कहा जी अगर कैश लेना है किसी से भी तो कैश रिसिप्ट वाउचर करेंगे, इंटर 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 करेंगे, डेट और टाइप और वाउचर खुद ब खुद बनेगा, आपने जस्ट यहाँ पे पार्टी का नेम देना है। हमने कहा जी कस्टमर हमारा है हमजा, हमजा का नाम हमने सर्च किया, इंटर इंटर किया तो यहाँ पर उसने इसका बैलेंस भी दिखा दिया 2 लाख लेने वाला है। तो हमने कहा जी 1 लाख हमने इससे आज रिसीव कर लिया है कैश के थ्रू। तो यहाँ पर हमने कैश लिख के जब सेव किया तो ये वाउचर हो गया सेव, इसको हम यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं। मैंने रिटर्न बैक किया तो ये जो एंट्री है ये 2 साइड पे गई है, एक तो उस पार्टी के लेजर से गई है, दूसरा हमारी जो कैश बुक है डेली कैश बुक उसमें भी आई है। तो जब मैंने यहाँ पर आज के दिन की कैश बुक खोली उसने दिखाया जी आपके पास 0 बैलेंस था और आपको हमजा की तरफ से 1 लाख डेबिट हुआ है, ये आपका बैलेंस है 1 लाख इस टाइम कैश में पड़ा है। तो वही चीज़ हम लेजर में देखेंगे हमजा के, कि हमजा के लेजर में से जो 1 लाख निकला है 2 लाख लेना था ओपनिंग बैलेंस और 1 लाख हमने ले लिया, 1 लाख उसकी तरफ डेबिट में खड़ा है, हमने लेना है। इसी तरीके से अगर हम पेमेंट वाउचर करते हैं कैश का तो ये ऑटोमेटिकली कैश बुक को क्रेडिट कर देगा। तभी हमने ऐड किया, इंटर इंटर किया, यहाँ पर हमने अपने सप्लायर का नेम दिया और यह हमें ट्रेडर सेलेक्ट किया तो ये उसका बैलेंस आ गया 1 लाख
क्रेडिट का। मैंने कहा जी कैश तो हमारे पास 1 लाख है, लेकिन हम कैश फिलहाल 50,000 देते हैं और ये हमने इसको सेव कर दिया। जब हमने अब इसकी यहाँ पर कैश बुक खोली तो ये हमारे पास आ गया, 50,000 क्रेडिट हो गया हमारी कैश बुक से, अहमद को चला गया, हमारे पास कैश बच गया 50। और अहमद का लेजर खोल के देख लें, यहाँ पर हमने अहमद का लेजर खोला, अहमद ट्रेडर, तो ये देखें हमने 1 लाख देना था क्रेडिट में, वो उसको 50 डेबिट हो गया, ये उसका 50 रह गया क्रेडिट के अंदर, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने किए कैश रिसीवर से, हमने कैश लिया और कैश पेमेंट के थ्रू हमने भी कैश दिया। अगर हम बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं या रिसीव करते हैं तो हम बैंक वाउचर करेंगे। तो यहाँ पर हम इंटर इंटर करके आए, डेबिट साइड पे हम वो चीज़ बताएंगे हमेशा जिसके अंदर हम एंट्री कर रहे हैं, और क्रेडिट साइड वो बताएंगे जहाँ से एंट्री जा रही है। तो अगर हम सप्लायर को पेमेंट दे रहे हैं तो हम अहमद का नाम ऊपर देंगे यानी कि डेबिट के अंदर, उसका बैलेंस आ गया 50,000, नीचे हमने सर्च के अंदर अलाइड बैंक दे दिया। तो जब मैंने यहाँ पर अलाइड बैंक दिया तो ये उसने बैंक भी उठा लिया और ये बैंक का बैलेंस भी दिखा दिया 5 लाख। तो मैंने कहा जी 50,000 पूरा ही इसको दे दें, ऑनलाइन दिया है या हमने उसको बाय चेक दिया है, जिस तरीके से भी दिया होगा हम उसका चेक नंबर यहाँ पे मेंशन करके उसका नेम भी दे सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये तो पेमेंट होगी अहमद को और एलाइट की तरफ से। अगर रिकवरी करते हैं बैंक के अंदर तब भी हम ऐड करेंगे और डेबिट करेंगे हम अलाइट को। तो यहाँ पर हमने अलाइट लिखा, अलाइट बैंक डेबिट हो जाएगा और कस्टमर का नेम हमारा क्रेडिट हो जाएगा। कस्टमर हमने हमजा अली सेलेक्ट किया और हमजा से हमने जो पैसे लेने थे वो यहाँ पे हमने लिख दिए कि हमने उससे इतने पैसे ले लिए हैं और वो हमें उसने ऑनलाइन करवाए हैं, इंटर करके सेव कर दिया। अब ये दोनों एंट्रीज हम देखेंगे, ये कैश बुक में तो बिल्कुल नहीं आएंगी क्योंकि हमने ये की है बैंक के थ्रू। तो जब मैंने कैश खोला तो कैश में वही दो एंट्रीज थी जो 1 लाख की और 50,000 की हमने की थी। तो जब मैंने लेजर खोला यहाँ पे इंटर 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 किया और मैंने यहाँ पर नेम दिया सॉरी अलाइट, तो अलाइट बैंक का लेजर जब खुला तो उसने बताया कि 5 लाख आपके पास कैश ओपनिंग में पड़ा था, आपने भाई चेक किया भाई ऑनलाइन अहमद को दिया 50,000, कैश बच गया था पीछे 4,50, फिर हमें ऑनलाइन आए जो हमने रिसीविंग की थी हमारे कस्टमर से फिर 50,000 की, तो वापस हमारा बैलेंस हो गया 5 लाख, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और बैंक के थ्रू पेमेंट ले भी सकते हैं। सेम ऐसे ही जर्नल वाउचर, कोई जर्नल एंट्री किसी पार्टी को डेबिट करनी है या क्रेडिट करनी है तो उसके लिए हम जर्नल वाउचर बना सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जर्नल वाउचर के बाद हमारे पास आता है लॉन्ग डाटा वाउचर, उसके बाद आता है परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस। लेकिन परचेज और सेल करने से पहले हमारे पास आइटम होना जरूरी है, कस्टमर और सप्लायर तो हमने बना लिए, अब आइटम बनाने के लिए हम सेक्शन बनाएंगे, फिर उसकी टाइप बनाएंगे, फिर हम मास्टर कंपनी बनाएंगे और फिर बनाएंगे आइटम। सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन नेम के अंदर, यहाँ पर हमने फुल व्यू किया तो हमारे पास ये देखें डिफरेंट टाइप के यहाँ पे सेक्शन बने हुए हैं, D29, 3mm, AA, ये डिफरेंट सेक्शन होते हैं जो लेंथ वाइज हमारे यूज होते हैं। तो जो इनमें से अगर लेंथ हम यूज करना चाहते हैं तो जो ऑलरेडी हमारे ऐड होंगे उनको यूज कर लेंगे, अगर हमने न्यू कोई सेक्शन ऐड करना है तो हम सेक्शन में जाके जस्ट ऐड करेंगे और खुद ब खुद आ जाएगा। और इसको हम यहाँ पे बिल्कुल रिटर्न बैक करके दोबारा आते हैं, सेक्शन नेम ऐड किया, इंटर किया और यहाँ पर हम सेक्शन का नेम बता देंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DC 26, ये मैंने एक सेक्शन बना दिया, इंटर किया, सेव कर दिया। कोई भी सेक्शन नेम आप बना सकते हैं जो आपके लेंथों के होते हैं, तो DC 26 मैंने सेक्शन बना दिया। उसके बाद टाइप, टाइप से मुराद होता है कि वो उसके अंदर कौन कौन से कलर्स हो सकते हैं, ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, उसके बाद ब्राउन्स हो सकता है, डल हो सकता है, जो भी कलर्स आप उसमें यूज होते हैं आपके वो इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। अगर कोई नया ऐड करना है तो हम जस्ट टाइप के अंदर आके ऐड करेंगे और वो यहाँ पर नेम दे के सेव कर देंगे। हम इनमें से ही जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनमें से कोई यूज कर लेते हैं। उसके बाद मास्टर कंपनी, हमारे पास किस किस कंपनी का प्रोडक्ट होती है हम उनका नाम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे अल्कोन मैंने एक कंपनी नाम रखा है, इसी तरीके से हम कोई और कंपनी अगर होती है तो हम उसको भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। जस्ट हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे हाईटेक के नाम पे, यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। तो मैं किसी भी कंपनी का यहाँ पे प्रोडक्ट स्टॉक रख सकता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास सेक्शन बन गया DC 26, हमने 26 बनाया था। टाइप हमने ब्राउन ब्लैक कोई भी हम उसमें से यूज कर सकते हैं, कंपनी हमने हाईटेक बना ली। अब हम बनाएंगे आइटम और उसके अंदर उसकी लेंथ बनाएंगे, हर लेंथ अलग अलग बनेगी,
यानी कि ऐड करने पे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेंथें बनी है जो कि फुल व्यू करने पे हमें नज़र आ जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो मैं आपको यहाँ पे लिस्ट दिखा देता हूँ, जैसे ये हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लेंथें बनी हुई हैं, ठीक हो गया। ये हमारे पास नेक्स्ट पेज ये सब लेंथें यहाँ पे बनी है और ये उनके साइजेज आ रहे हैं, 18 फुट की है, 16 फुट की है, 14 फुट की है, आगे उनके रेट्स लगे हुए हैं। इसी तरीके से अगर हमने कोई न्यू लेंथ बनानी है तो हम आइटम प्रोफाइल में आके क्या करेंगे, ऐड कोड ऑटोमेटिकली आएगा, इंटर किया हमने, उसने पूछा सेक्शन नेम कौन सा सेक्शन, हम यहाँ पर आके उसको सर्च भी कर सकते हैं। मैंने DC लिखा तो यहाँ पर DC 26 आ गया, मैंने DC 26 सेलेक्ट किया, इंटर किया, ये DC 26 का कोड आ गया सामने, इंटर किया। अब उसने पूछा टाइप कौन सी है, मैंने यहाँ पर टाइप बताई कि मैं ब्राउन टाइप उसकी यूज़ कर रहा हूँ, इंटर। साइज कौन सी लेंथ है, 16 की है, 18 की है, 14 की है, जो भी उसकी लेंथ होगी, हर लेंथ अलग अलग हम बनाएंगे, 14 की अलग बनेगी, 16 की अलग बनेगी। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने 16 की लेंथ बनाई, उसका यूनिट दिया फिट और मैंने यहाँ पर रेट दिया जी 200, इंटर किया। और मैंने उसकी कंपनी बताई कि ये हम कौन सी कंपनी की है प्रोडक्ट, मैंने कहा जी हाईटेक की है, इंटर किया और ये आइटम सेव हो गई। तो मास्टर हमारा यहाँ पर हो गया कंप्लीट, हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में कस्टमर भी बना लिए, सप्लायर भी, उसके बाद सेक्शन टाइप और कंपनी बना के आइटम भी बना ली। अब इसी का आइटम को हम परचेज भी करेंगे और उसके बाद इसको हम सेल भी करेंगे। हम यहाँ पर एड रिकॉर्ड में आए, यहाँ पर आए हम परचेज इनवॉइस के अंदर, यहाँ पर सबसे पहले डेट आई। अब उसने पूछा क्रेडिट कोड, यानी कि हम सप्लायर का कोड बताएंगे, यहाँ पर मैंने नाम दिया अहमद ट्रेडर, जो हमने अभी अपना सप्लायर बनाया था, तो उसका नाम भी आ गया, साथ में उसका बैलेंस भी आ गया 0, तो फिलहाल 0 बैलेंस है। इनवॉइस नंबर बन गया खुद ब खुद, आईबा वाउचर भी खुद ब खुद बनेगी, जस्ट हमने इंटर इंटर करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर कोड आ गया, अगर हमें कोड याद है आइटम को हम डायरेक्ट कोड दे सकते हैं, अगर नहीं याद आप इंटर करें, नेम में आ जाए, यहाँ पर आप लिखें DC, उस आइटम का नेम स्पेस दे के बेशक का पूरा नेम लिखें DC 26, इंटर करें। अब टाइप के अंदर आप जस्ट उसका शॉर्ट लिखते हैं कि ब्राउन है तो BR लिख दिया मैंने, जैसे मैंने इंटर किया तो देखें उसने ऑटोमेटिकली DC 26, ये आइटम का नेम था, टाइप ब्राउन थी, हाईटेक कंपनी की थी, 16 की लेंथ थी, तो ये उसने आइटम उठा के यहाँ पे मेरे सामने रख दी। मैंने जैसे इंटर किया उसने सारी डिटेल्स खुद ब खुद उठा ली, साइज भी उठा लिया, इंटर किया। अब उसने पूछा कितनी आपने लेंथें खरीदी हैं, हमने यहाँ पर 10 लेंथें खरीदी, टोटल फिट उसने बनाया 160, 200 का हमने फिट का रेट रखा था, उसने बनाया 32,000 का हमारा यहाँ पर वैल्यू बन गई है, और कोई अगर डिस्काउंट मिलता है तो हम यहाँ पर डिस्काउंट दे देंगे, अगर नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। इंटर किया और इसको कर दिया सेव। ये जो 32,000 का हमारा बिल बना है ये ऑटोमेटिकली अहमद को क्रेडिट हो गया, और ये जो 10 लेंथ हैं 160 फुट हमारी, ये हमारे स्टॉक में आ जाएंगी। तो मैंने कहा जी पहले तो लेजर दिखाएं अहमद ट्रेडर का, जिसका लेजर 0 था पहले, अब उसके नाम पे 32,000 क्रेडिट हो गया, हमने उससे ये वाली आइटम खरीदी है। यहाँ पर जस्ट वो शॉर्ट नेम दिखा रहा है, अगर मैं यही चीज डिटेल में देखना चाहता हूँ तो मैं लेजर डिटेल खोलूंगा। यहाँ पर मैंने दिया अहमद ट्रेडर का नेम, और ये मैंने जब इसको खोला तो उसने बताया जी आपने ये वाली आइटम ब्राउन कलर में, ये साइज था 10 ली हैं इतने फुट इस रेट में 32,000 की, तो ये 32,000 उसका क्रेडिट आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टॉक खोला और यहाँ पे आकर स्टॉक इन हैंड देखा, इंटर किया, तो यहाँ पर इसने मुझे वो भी दिखा दिया कि स्टॉक आपके पास हाईटेक कंपनी का, ये कंपनी नेम आया, ब्राउन उसका सेक्शन आ गया, यानी कि टाइप जो उसकी थी, और ये उसका सेक्शन आ गया DC 26, और ये हमारी लेंथ आ गई 16 की, ठीक हो गया। हमने 16 की 10 लेंथें ली थी टोटल, जो कि हमारे पास 160 फुट बनते थे, और ये उसकी वैल्यू आ रही है 32,000, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गई। और साथ ही हमारे परचेज के रिपोर्ट भी ऑटोमेटिकली बन गई, डेली परचेज खोल लें, मंथ वाइज खोल लें, पार्टी वाइज खोल लें, कोई भी रिपोर्ट आप खोल के यहाँ पर देख सकते हैं। हमने जस्ट अपने सिस्टम की जो डेट होगी, जिस दिन में हमने वो एंट्री डाली होगी, हम वो दिन एग्जैक्ट डेट दे देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे दिया 14/6/2021, और जब मैंने इसको ओके किया तो इसने मुझे दिखा दिया जी आपने हमारे ट्रेडर से ये आइटम ब्राउन साइज ये था इतनी लेंथ इस रेट में 32,000 की खरीदी है। और उसके बाद हम आते हैं सेल की तरफ। अब सेल के टाइम पे हमारे पास यहाँ पर 3 टाइप्स की सेल होती हैं। अगर आप यहाँ पर नोट करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीवियस फ्री स्टॉक, नॉर्मल सेल और कन्वर्ट एंड फ्री सेल। इसका मतलब होता है कि हम 3 तरीकों से सेल कर सकते हैं। नॉर्मल सेल से मुराद है हम पूरी की पूरी लेंथ सेल करेंगे, कन्वर्ट एंड फ्री सेल से मुराद है कि हम एक लेंथ को तोड़ के
और उसके कुछ हिस्से को सेल करेंगे, यानी कि अगर 16 की लेंथ है 8 फुट सेल करेंगे, 8 फुट का हम फ्री साइज में रख लेंगे। और बाद में अगर हम उस फ्री साइज में से कुछ सेल करना चाहते हैं तो तब हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। ये तीनों मेथड यहाँ पर डिस्क्राइब है और अब हम इन्हीं को अप्लाई भी करेंगे। सबसे पहले मैंने डेटा ही इंटर किया, कस्टमर का नेम बताया, मैंने कहा जी हमारा कस्टमर है हमजा, हमजा का नेम आ गया, यहाँ पर हमजा का बैलेंस भी आ गया कि प्रीवियस हमजा का 50,000 लेने वाला है, इनवॉइस बन रही है, इंटर इंटर वाउचर नंबर खुद ब खुद बना। सेम वैसे ही हमने आके इंटर किया, यहाँ पर हमने अपनी आइटम का नेम दिया DC 26 और हमने यहाँ पे उसका कलर दिया ब्राउन, इंटर किया तो ये उसने साथ ही हमारी आइटम उठा ली कि ब्राउन है और ये 160 फुट आपके पास पड़ी हुई है। जब मैंने इंटर किया तो ये इसने यहाँ पर उठा लिया, ठीक है, और ये इसने हमें इसका लेंथ बताई है कि ये 16 की लेंथ है। अब यहाँ पर देखें नॉर्मल सेल, अगर तो नॉर्मल सेल है साइज को हम नहीं छेड़ेंगे, साइज हमारा 16 ही रहेगा, जो हमारा एफ सेल है यानी कि ये वाला, इसको हम 0 ही रहने देंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है फर्स्ट टाइम हम एक लेंथ पूरी सेल करते हैं, तो यहाँ पर मैंने साइज 16 ही रहने दिया, एफ सेल हमारा 0 ही रह गया। और क्वांटिटी में हम लेंथ बताएंगे कितनी लेंथ है, मैंने कहा कि 10 लेंथ है हमारे पास क्योंकि स्टॉक में पड़ी हुई है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर उसको क्या किया, ये देखिए ये हमारा स्टॉक भी आ रहा है S16 यानी कि 16 जो हमारी लेंथ थी उसमें 10 पड़ी हुई है। मैंने यहाँ पर कहा कि एक लेंथ में सेल कर रहा हूँ, उसने कहा जी टोटल फुट कितने बने 16, 200 रुपये का रेट था फुट का तो उसने बनाया 3200 का रेट, उस पर अगर हमको डिस्काउंट देते हैं वो डिस्काउंट यहाँ पर आ जाएगा, डिस्काउंट रेट आ जाएगी सामने। इंटर किया इंटर किया इंटर किया और सेव कर दिया। जब ये एंट्री सेव होगी मोड एंट्री करके मजीद आइटम्स ऐड करके हम वो भी सेल कर सकते हैं, और इसका हम यहाँ से टाइटल प्रिंट निकाल के बिल नंबर भी देख सकते हैं। पार्टी का अगर प्रीवियस बैलेंस भी देखना है तो वाई या एन दे के हम इसको देख सकते हैं, वाई से उसका प्रीवियस बैलेंस भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बिल निकाल लिया, हमजा लिया आ गया, डिटेल्स आ गई कि हमने इस कंपनी का ये वाली आइटम एक क्वान्टिटी यानी कि एक लेंथ हमने 16 फुट की 3200 की सेल की है, और ये हमारा उसका प्रीवियस बैलेंस भी अंदर ऐड होके टोटल आ गया इतना, ठीक हो गया। तो हमारा डिस्काउंट निकल के अमाउंट निकली थी और ये हमारा प्रेजेंट बैलेंस आ गया है इतने वैल्यू का, ठीक हो गया। अब ये तो हमने की है सेल एक लेंथ की, तो सेल रिपोर्ट भी हमारे पास बन गई। डेली सेल को देख लें, मंथ वाइज देख लें, पार्टी वाइज देख लें, कोई भी रिपोर्ट खोल लें, डेट दें उस दिन की जिस दिन आपने सेल की होगी, और जब आप इंटर इंटर करेंगे तो आपको वो पार्टी वाइज दिखा देगा कि आपने कौन सी पार्टी को कौन सी आइटम कितनी लेंथ सेल की है। तो यहाँ पर एक ही हमने लेंथ सेल की थी, तो हम स्टॉक में आए, स्टॉक इन हैंड देखा हमने, वापस इंटर इंटर किया तो यहाँ पर हमारे पास 9 लेंथ्स रह गई, यानी कि हमारी जो 10 लेंथें थी उनमें से एक लेंथ हमारी सेल हो गई और ये 144 हमारे पास फिट रह गए हैं इतनी वैल्यू के। तो ये तो होगी नॉर्मल सेल। अब हम वापस आए और सेल के अंदर दोबारा से आए, दोबारा से हमने अपना कस्टमर लिया, हम जाली को ही दोबारा ले लिया, सेकेंड इनवॉइस बन रही है, हमने यहाँ पर आइटम बताई वही DC 26, उसका कलर बताया ब्राउन और ये आइटम सेलेक्ट कर ली। अब हम कहते हैं कि हमने लेंथ को तोड़ के आगे सेल करना है और जो फ्री साइज होगा उसका जो बचेगा पीस वो हमने अपने पास फ्री साइज में रख लेना है। तो उसके लिए साइज को हम 0 करेंगे, ये लिखा हुआ है साइज 0 और एफ सेल भी 0, ठीक है, और क्वांटिटी के अंदर हम लिखेंगे 1, ठीक हो गया। फिर आगे हम बताएंगे टोटल फीट के हमने कितने फीट सेल किए हैं। तो यहाँ पर साइज आ रहा था 16, लेंथ ऑलरेडी हमने 16 वाली सिलेक्ट की है यानी कि 16 फुट वाली, तो वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है। हमने अब यहाँ पर किया साइज 0, एफ सेल को भी हमने किया 0, क्वांटिटी में 1 हमने लाजमी देना है, 1 लिखा। अब हमने उस जो 16 की लेंथ हमने सिलेक्ट की हुई है उसमें से कितने हमने पीस यानी कि कितने पीस का एक मतलब तोड़ा है उसको 16 में से, वो यहाँ पर फीट बताएंगे। अगर 16 है 8 फुट हम उसमें से तोड़ लेते हैं या 5 फुट तोड़ ले, जितना भी हम तोड़ेंगे वो बाकी फ्री साइज में ले जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कहा जी अगर 16 की लेंथ है मैंने हाफ हाफ कर दी, 2 पीस कर दिए, 3 कर लें, जिस तरह मर्जी उसके पीसेस कर लें। मैंने कहा जी 8 फुट मैंने सेल किया है तो वो बना 1600 का, ठीक है, हाफ लेंथ बनी 1600 की। इंटर किया इंटर किया इंटर किया इंटर किया और ये हमने सेव कर दिया, इसका भी हम बिल प्रिंट निकाल सकते हैं। जब ये लेंथ हमने तोड़ के सेल की है तो इसका मतलब है कि जो हमारी 9 लेंथें थी ये स्टॉक के अंदर शो हो रही थी हमें, उसमें से एक लेंथ हमारी कम होगी तो ये 8 रह जाएंगी, 8 फुट भी हमारा सेल हो गया, तो ये तो चला गया हमारे कस्टमर के नाम पे। जो बकाया 8 फुट इसका पीस बचा था वो जाएगा इसके फ्री साइज में।
हमने स्टॉक खोला, स्टॉक इन हैंड रिपोर्ट खोली, तो जब यहाँ पर आए तो ये देखें स्टॉक में हमारे पास लेंथ होगी 8, 9 में से हमारी एक लेंथ यूज होगी और 8 फुट हमारा उसमें से सेल हो गया था, तो बाकी का जो 8 फुट बचा वो कहाँ पे आ गया, फ्री साइज के अंदर। तो ये हमारा स्टॉक है फ्री साइज का पड़ा हुआ है, तो ये हमारे फुट आ रहे हैं कि टोटल फिट इतने हैं, लेंथ ही इतनी है और ये वो फ्री साइज है जो कि हमारा पीस बचा है। ठीक हो गया, तो ये हो गया दूसरा मेथड। अब हम आते हैं सेल में दोबारा से, दोबारा से हमने अपना कस्टमर का नेम दिया और थर्ड इनवॉइस बना रहे हैं, हमने फिर आइटम बताई, उसके बाद हमने उसका वो सेक्शन टाइप बताई। अब जब हमने इसको सेलेक्ट किया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जस्ट फ्री साइज यानी कि जो प्रीवियस हमारे ऑलरेडी पीसेस टूटे पड़े हैं हम उनमें से कोई पीस सेल कर सकते हैं, तो उसको हम फ्री साइज कहते हैं, उसमें से हम देना चाहते हैं। तो फ्री सेल के लिए हमारे पास साइज 0 करेंगे और एफ सेल यानी फ्री सेल को हम करेंगे 1। तो यहाँ पे मैंने साइज 0 कर दिया और एफ सेल को कर दिया 1। और अब हम क्वांटिटी नहीं देंगे यहाँ पे, अब हम जस्ट क्या करेंगे फिट बताएंगे। हमारे पास 8 फिट का वो पीस पड़ा हुआ था फ्री साइज में, ठीक है, ये हमारे पास एफ साइज आ रहा है 8 फुट का। तो मैंने यहाँ पर कहा जी हम 3 फुट उसमें से सेल कर रहे हैं, वो बना 600 का, इंटर 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 और सेव। जब इंटर ये सेव होगी और अब हमने जाके स्टॉक इन हैंड में रिपोर्ट देखी तो उसने दिखाया कि आपके पास लेंथ है वही पड़ी है 8 की 8, लेकिन जो फ्री साइज में 8 फुट का पीस था उसमें से आपने एक 3 फुट का पीस सेल कर दिया है और आपके पास 5 फुट अभी भी पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम आइटम को जितने भी हमारी यहाँ पर लेंथें बनती जाएंगी कंपनी वाइज और उनके टाइप वाइज आती जाएंगी, उनकी सब लेंथें आएंगी 12 की 14 की 16 की 18 की, जिस तरीके की भी आपकी लेंथें होंगी पूरी पूरी लेंथ को भी हम सेल कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट करके यानी कि तोड़ के भी सेल कर सकते हैं और फ्री साइज को भी हम सेल कर सकते हैं, जो कि तीनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। तो सेल रिपोर्ट में हमारे पास आ गई, डेली सेल रिपोर्ट खोल ली, यहाँ पे मैंने डेट दी और इसने हमें यहाँ पे इंटर इंटर करके दिखा दिया जी आपके पास आपने सबसे पहले ये सेल किया था, एक पूरी लेंथ थी 16 की 3200 की सेल हुई थी, फिर एक लेंथ आपने तोड़ के 8 फुट की सेल की 1600 की और उसके बाद आपने जस्ट 3 फुट सेल किया, इतने का टोटल हमारी 5000 इतने की सेल हुई है और वो जिस कस्टमर के नाम पे गई है ऑटोमेटिकली उसके लेजर के अंदर वो डेबिट होती गई थी। तो यहाँ पर जब मैंने हमजा अली का नाम खोला तो ये देखिए हमने 4000 उससे प्रीवियस लेना था, उसके बाद हमने उसको ये लेंथें सेल की हैं 2800 की 1600 की और 600 की और वो उसके नाम पे ऐड होके 55000 उसके नाम पे या फिर जमा हो गया जो कि हमने उससे लेना है, तो वो हम उससे कैश से वाउचर से लेंगे। तो यहाँ उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सेल के बाद आ जाता है कोटेशन, हम कोटेशन जैसे हम सेल कर रहे थे सेम वैसे ही हम यहाँ पर कस्टमर का नेम दे के आइटम का नेम दे के उसका साइज दे के कोटेशन बना के सेव कर सकते हैं जो कि टेम्परेरी होती है, इसको इसमें स्टॉक को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये जस्ट टेम्परेरी कोटेशन बना देगा और बाद में हम अगर उसी कोटेशन को एज अ इनवॉइस यूज करना चाहते हैं तो हम ऑटो इनवॉइस मेकिंग में आएंगे, यहाँ पर हम अपने वो कोटेशन का नेम देंगे तो वो कोटेशन को कन्वर्ट कर देगा इनवॉइस में और उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करके सेव कर देंगे। तो उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर रिटर्न इनवॉइसेस हैं, परचेज की रिटर्न हो सकती है, अगर हम सप्लायर को वापस करते हैं कोई चीज़ तो सप्लायर का नेम देंगे, आइटम का नेम देके उसकी लेंथ बताएंगे और उसको सेल रिटर्न कर देंगे। इसी तरीके से अगर कस्टमर हमें रिटर्न करता है तो सेल रिटर्न करेंगे, तब भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर हम कस्टमर का नेम देंगे, आइटम का नेम देंगे, उसके जो भी हमारी फ्री साइज है, प्रीवियस है, पूरी लेंथ है, जिस तरीके से भी स्टॉक गया था वैसे ही हम उसकी रिवर्स एंट्री डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली वो उसके लेजर से रिवर्स हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एडिटिंग लगी हुई है, एडिटिंग सेल की भी हो सकती है, परचेज की भी हो सकती है और कोटेशंस की भी हो सकती है, यही एडिटिंग हमारी सेल के अंदर अभी ऑलरेडी लगी है। हम यहाँ पर एडिट इनवॉइस में जाके हम एडिट करेंगे, इनवॉइस नंबर बताएंगे, जैसे अगर मैं फर्स्ट एक नंबर इनवॉइस देता हूँ तो यहाँ पर इंटर 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 किया, कैलकुलेट एंड सेव पे आ गया तो ये इसने भी पूरी लेंथ उठा ली थी कि हमने ये वाली इतनी क्वांटिटी इतने रेट में सेल की थी, अगर इसमें मैं कोई भी चीज़ चेंज करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली इफेक्ट करेगा हमारी इनवॉइस का, पर अगर मैं यहाँ पर क्वांटिटी चेंज कर लूँ या लेंथ चेंज कर लूँ या हम बल्कि इसमें लेंथ को हम अगर कन्वर्ट करते हैं तो फिर हम नहीं चेंज करेंगे, लेकिन अगर हम फुल लेंथ सेल करते हैं तब हम इसको चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रेट चेंज कर देता हूँ, 200 की जगह मैंने 250 रेट कर दिया, 3200 रेट वैसे बन रहा था 200 के हिसाब से, लेकिन अब जब मैंने इसको कैलकुलेट एंड सेव किया तो इसने कहा अपडेट हो गया है, री इंडेक्सिंग प्लीज। ओके,
तो मैंने यहाँ पर रिटर्न बैक किया और यूटिलिटी के अंदर री इंडेक्सिंग लिखा हुआ है, हमने इसको किया, ओके किया, तो ये री इंडेक्सिंग क्या करता है, सब फाइल्स को रिफ्रेश कर देता है। अब जब मैंने यहाँ पर लेजर डिटेल खोला हमजा का, तो जो 3200 की हमारी इनवॉइस थी वो यहाँ पर 3600 की बन गई, क्योंकि हमने 200 का जो रेट था उसको 250 का रेट कर दिया। तो ये वाली इनवॉइस एक नंबर जो हमारी थी इनवॉइस, वो हमारी एडिट होगी। इसी तरीके से हम कोई भी इनवॉइस को यहाँ से देख के एडिट कर सकते हैं। अगर किसी भी एंट्री को डिलीट करना है तो उसके लिए हम उसका वाउचर नंबर देखते हैं। आइटम को डिलीट करना है तब भी हम आइटम का लेजर देखेंगे, आइटम लेजर, यहाँ पर आके हम उस आइटम का नेम बताएंगे। DC26 हमारी आइटम नेम थी और उसकी टाइप थी ब्राउन, ठीक है। तो ये मैंने इसका इंटर किया और यहाँ पे इसने उसका पूरा स्टॉक दिखा दिया। ये उसकी हर एंट्री का आ रहा है वाउचर नंबर और उसके साथ में टाइप और साथ में डेट। तो अगर ये कोई स्टॉक डिलीट करना है तो तब भी हम वाउचर नंबर, डेट, टाइप और उसकी डेट देख के डिलीट करेंगे। या अगर हमने पार्टी के लेजर में से कोई भी एंट्री डिलीट करनी है तो तब भी हम उसका वाउचर नंबर और उसकी टाइप और उसकी डेट देख के डिलीट करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये इनमें से कोई भी एक लेंथ डिलीट कर देता हूँ, या कोई भी एक वाउचर जो हमारे प्रीवियस बने हुए हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर 1,00,000 का ये वाउचर था, 4,000 का, तो कोई भी एंट्री अगर इसमें से डिलीट करनी है तो हमने जस्ट ये तीन चीज़ें ही नोट करनी है, डेट, उसका वाउचर का नंबर और उसकी टाइप। ये ओ टाइप है, आर टाइप है, बी टाइप है और ये जे टाइप है। तो यहाँ से मैं एक एंट्री कोई भी डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ से ये बैंक वाली ऑनलाइन एंट्री डिलीट करता हूँ। मैंने कहा जी इसका ऑनलाइन वाला का था 2 नंबर वाउचर है, टाइप बी है, डेट है 14/6। तो ये तीनों चीज़ें मैंने नोट की, स्केप किया, हमारी डिलीट के अंदर डिलीट में जाके ओके किया। टाइप हमने दी बी, वाउचर नंबर था 2 और यहाँ पर हमने डेट दी एग्जैक्ट 14/6/2021। इंटर किया तो ये आ गया शो के ऊपर। शो किया तो इसने हमें वही वाउचर दिखा दिया, ये देखें बैंक का कोड और ये हमारा पार्टी का कोड और ऑनलाइन एंट्री। हम आगे जाके इसको वो भी वेरीफाई भी कर सकते हैं कि अमाउंट वही थी 50,000 वाली, तो ये देखें 50,000 की अमाउंट था क्योंकि एग्जैक्ट वाउचर था। कीबोर्ड से हमने स्केप का बटन दबाया तो यहाँ पर इसने शो करवाया कि यहाँ पर आप आफ्टर डिलीट री इंडेक्सिंग लाजमी करें। तो हमने जब डिलीट बटन पर क्लिक किया तो इसने फिर से मैसेज दिया कि री इंडेक्सिंग प्लीज, ओके। तो वाउचर एडिट करके, यानी कि कोई भी चीज एडिट करते हैं या डिलीट करते हैं तो उसके बाद यूटिलिटी में री इंडेक्सिंग लाजमी करेंगे हम। तो वो एंट्री अब डिलीट होगी है। लेजर में जाके हम यहाँ पर उस पार्टी का नेम देंगे और अब हम वो 50,000 की एंट्री देखेंगे तो वो यहाँ से खत्म हो गई है। तो वो बैंक के अंदर से भी खत्म हो गई और यहाँ से भी, क्योंकि दोनों साइड पे सेम वाउचर पे एंट्री गई थी। इसी तरीके से हम स्टॉक को भी डिलीट कर सकते हैं, डेली परचेजिंग देख सकते हैं। तो ये हमारे पास सब रिपोर्ट्स हैं फाइनेंशियल की, लेजर, लेजर डिटेल, ट्रायल बैलेंस, उसके अलावा हमारे पास बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये वाउचर्स हैं सारे, डेली कैश बुक है, परचेज की रिपोर्ट्स हैं, सेल की ये सारी रिपोर्ट लगी हुई हैं। उसके अलावा हमारे पास स्टॉक की ये सारी रिपोर्ट लगी हुई हैं, ओपनिंग बैलेंस, स्टॉक इन हैंड में हमारे पास सारा आता है। स्टॉक कंपनी वाइज स्टॉक के अंदर हम कंपनी वाइज स्टॉक देख सकते हैं कि किस कंपनी का हमने स्टॉक देखना है। हम उस कंपनी का नेम देंगे और ओके कर देंगे तो वो हमें कंपनी वाइज सारा स्टॉक दिखा देगा कि कौन कौन सा पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं सारी। और यूटिलिटी के अंदर री इंडेक्सिंग है, ईयर बिटवीन है, यूज़र राइट्स हैं और उसके अलावा कन्वर्ट लेजर है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर बैकअप के ऑप्शन भी है, हम डेली क्लिक करें इस पर ताकि एक एक्स्ट्रा बैकअप डी ड्राइव के अंदर आपका माई बैकअप का बनता जाए डे बाई डे, तो आपका डाटा सेफ रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।